गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल ही आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी या बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो वो सरप्राइज बना के भी रखूँगा, तो वीडियो को आप आगे तक जरूर देखना, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो पर बने रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकट काउंटर अंदर है? सर वीडियो अलाउड नहीं बना वीडियो अलाउड नहीं? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट हेरिटेज म्यूज़ियम है जो मानेसर में स्थित है, और ये मानेसर में पड़ता है। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, अराउंड 40 किलोमीटर्स है आपके सेंट्रल दिल्ली से, अगर हम क्राउन प्लेस अगर हम बात करें तो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे रखी हुई हैं पुराने टाइम की, और ऐसा नहीं है कि वो अभी की होंगी। सारी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से मंगाई गई हैं, जैसे पाकिस्तान से, यूरोप से। अब मोस्टली आप इसमें देखेंगे, जैसे कि आप लोग मूवीज़ तो सब लोग देखते होंगे, तो मूवीज़ में जो जो कारें दिखाई गई हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है एक म्यूज़ियम की तरह। ये सारे चीज़ अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये लैंप देख रहे हैं, ठीक है, वॉच देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो आपको ये एक तांगा दिख रहा है ना, और ये जो ट्रेन है ये रियल है, और ये पुराने टाइम की है, रियल है, और इसको एक सलून की तरह बना रखा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी। ख़ास तौर पे आप लोगों को आज मैं एक ऐसी कार दिखाऊंगा जो आप लोगों ने मूवी में देखी होगी, दिल तो पागल है की रेड कलर की कार, और हाथी मेरे साथी की रेड कलर की कार, जो हाथी ने खुद उसको टो करके बाहर निकाला था मठ से, कीचड़ से। और यहाँ पे आप लोगों को धन्नो का जो है टांगा भी मिलेगा आप लोगों को, जो धन्नू ने, मतलब जो आपने देखा होगा शोले में जो हेमा मालिनी ने एक टांगा यूज़ किया था, वो टांगा भी यहाँ पर है। गदर फिल्म में जो ट्रक यूज़ हुआ था वो ट्रक भी यहाँ पर है। डॉन फिल्म में जो फॉक्स वैगन की जो वैन यूज़ होती है वो भी यहाँ पर है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं गाइस, ये देखिए टांगा वगैरह दिखा रहे हैं, तो बहुत सा पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पे नाव है, काफ़ी सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और इसके टिकट की प्राइस की अगर हम बात करें तो 400 रुपये की टिकट है पर एडल्ट की, और 200 रुपये की टिकट की कॉस्ट है अगर कोई बिलो 12 ईयर्स है किड्स। तो ये देखिए बस, ये पुराने टाइम की वो बस है, ये पाकिस्तान से बस स्पेशली मंगाई गई है। ये देखिए ये सारी बसेस आप लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। मतलब यहाँ जब मैं गया तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइस, अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मतलब धूम मचा देंगे आप लोग, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। देखिए वॉक्स वैगन, ये दीवार फिल्म में ये गाड़ी यूज़ हुई थी अमिताभ बच्चन जब लास्ट टाइम पे, ये दिल तो पागल है की कार है, ये आप देख रहे हैं आप लोग, दिल तो पागल है में जो यूज़ हुई थी। ये सारी पुरानी कारें हैं, और ये अब बहुत मजबूत कार है, रियल है, और कहाँ कहाँ से स्पेशली मंगाया गया। ये देखिए हाथी मेरे साथी में जो कार, हाथी ने खुद इसको कीचड़ से निकाला था, और ये दिल तो पागल है में जो कार यूज हुई थी, देखिए ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये ओपन हो जाती है कार, ये रूफ के साथ भी है। ये देखिए ये पाकिस्तान से स्पेशली मंगाई गई है, यूरोप से, पाकिस्तान से, मतलब कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ मंगाई गई हैं यहाँ पर, और काफ़ी कुछ है। देखिए
ये यूरोप की है, यूरोप से कार मंगाई, ये बस मंगाई गई है। और ये कार देखिए कितनी खूबसूरत है, ये देखिए। क्या आज के वक्त में ऐसी विंटेज कार आप लोगों को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कि पुराने वक्त में जो आप लोगों ने जो चीज़ें नहीं देखी वो आप लोगों को यहाँ मौका मिलने वाला है। तो आप लोग देर ना करें, फटाफट प्लान करें अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पर आएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें, बच्चों को भी खुश रखने का एक अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के पास गाइस। देखिए ये सब मैनी टाइप्स ऑफ वैरायटीज हैं यहाँ पर सर कार्स की, आप लोग देख पा रहे हैं सब लोग। ये देखिए ये ऑटो है, मतलब टुक टुक भी बोल सकते हैं, ऑटो भी है। ये पुराने टाइम का है, ये आज का नहीं है, सब सब पुराने टाइम का है। ये देखिए पाकिस्तान की ये जो है बस, ये आप लोग देख रहे हैं। गाइस जैसे कि मैंने अभी सारी पिक्चर्स लिए हैं, यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी, तो मैंने इसे पिक्चर्स लिए हैं। पिक्चर्स में जो पॉसिबल हो सके सब मैंने लिया है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा कि यहाँ पे पुराने टाइम की सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं वो सब हैं, वो बाहर बाहर से मंगाई गई हैं। ये ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब जंक्शन बने हुए हैं, चूरू जंक्शन, ठीक है, आनंद विहार, सदर बाज़ार, गुड़गांव, तिलक ब्रिज। तो चलिए आइए थोड़ा सा बाहर का देख लेते हैं, जहाँ मुझे बोला है कि अंदर का बाहर का ले सकते हैं, अंदर का तो नहीं अलाउड था। ठीक है देखिए अब ये रोड रोलर है, ठीक है, और ये रेलवे ट्रैक है, ये ट्रेन है। तो ये हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, जहाँ पे इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर बाहर की सारी व्हीकल्स यहाँ पे लाई गई हैं और रखी गई हैं, और म्यूज़ियम के तौर पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और एक बार देखते अंदर का व्हीकल। देखिए यहाँ पे ई रिक्शा, नाव है, ट्रक हैं, और ये इंडिया के ही नहीं है, इंडिया से बाहर तक के सारे ट्रांसपोर्ट हैं, तो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और गाइस बहुत मज़ा आएगा, आप लोग भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। और बिल्कुल पास में ही मानेसर में ही पड़ता है ये, और ये बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, बच्चे को खूब इंजॉय करेंगे। काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अंदर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। और अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट का जो प्राइस है 400 रुपीज़ है पर एडल्ट, और किड्स की बात करें तो किड्स का जो टिकट है वो 200 रुपीज़ है। तो गाइस देर ना करें, अगर आप लोगों को दिल्ली के आसपास की कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं फैमिली के साथ, तो ये सबसे बेहतर जगह है और यहाँ आप लोगों को आना चाहिए। शायद आप लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, इस तरह के पुराना इंजन और ट्रेन, जो मैंने तो पहली बार देखा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं।
तो ये पुरानी बस है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइस आप लोग ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें और बच्चों के साथ, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। शोले फिल्म में और हाथी मेरे साथी में इस्तेमाल हुई गाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आकर, और ये दिल्ली NCR में है, मानेसर में पड़ता है। तो आप लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ और मूवीज़ में इस्तेमाल हुई सारी कार्स और सारे वैन आप लोग देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट आइए आप लोग। गाइस आप 400 रुपये में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कार्स आके देख सकते हैं, और ये दिल्ली NCR में पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ, आएँ और ढेर सारा इन्जॉय करें और खूब मस्ती करें। सो गाइस ये जो जगह थी जो मैंने विज़िट किया है, ये हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है, ठीक है। तो और ये जो पड़ता है ये मानेसर में पड़ता है, इसकी एग्जैक्ट एड्रेस लोकेशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइस बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे दुनिया भर के जितने पुराने और ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट हैं वो सब यहाँ पर हैं। लाइक जैसे कि पुराने ट्रक्स हो गए, जहाज़ हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, नाव है, साइकिल्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं, टुक टुक है, और ये पालकी जो होती है वो है, सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर की सारी चीज़ें हैं। सो गाइस इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखना, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए वैसे वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, बट ये एक था जितना मैं कर सका कुछ सेकंड का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिक्चर्स जो है मैं आप लोगों के साथ इसमें देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे। और गाइस अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरीके कुछ एक्साइटिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गुड डे। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ, टिकट का कॉस्ट जो है इसका 400 रुपये है, जैसे कि आप लोग बताया था, ये स्लिप आप लोग देख सकते हैं, 400 रुपये की टिकट की कॉस्ट है, और कितना भी आप टाइम ले सकते हैं, अंदर रेस्टोरेंट भी है, आप खाना पीना भी खा सकते हैं फैमिली के साथ, काफ़ी मतलब इन्जॉय करने के लिए ऐसी जगह है जो दिल्ली के आसपास की है, तो आप लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस जब आप टिकट लेंगे तो आप लोगों को इस तरीके का ब्रोशर मिलेगा, ठीक है, ये ब्रोशर मिलेगा आप लोगों को, इसमें सारा कुछ मेंशन होगा, देखिए इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन होगा, इस पर टाइमिंग भी मेंशन होगा, ये जो मंडे क्लोज्ड होता है और जो इसका ओपन का जो टाइम है ये मॉर्निंग 10 AM टू 7 PM है, ठीक है, ट्यूसडे टू संडेज, ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है। और यहाँ पे वर्ल्ड की सारी ओल्डेस्ट कार्स और स्कूटर और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी कुछ है कि मैं उसको फिंगर टिप्स पर नहीं बता सकता, मैं आप लोग खुद आएँ और विज़िट करें, एक बार ज़रूर देखें। टिकट की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है और दिल्ली NCR वालों के लिए तो बहुत ही मस्त जगह है, बहुत ही मस्त प्लेस है। तो गाइस बस इतना है कि आप लोग आएँ और यहाँ घूमें और इन्जॉय करें, अपने बच्चों को भी छुट्टियों में लेके आएँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, बच्चों के अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, तो चलिए बच्चों को अब ले आइए, अब यहाँ पर घुमाइए यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप लोग घर का खाना चाहते हैं तो पैक करके ले आएँ, आराम से अंदर भी बैठ के खा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है इतना ही, और ये लोकेशन है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये लोकेशन है, ठीक है, बाहर मेन रोड पे ही है, मेन रोड पे ही है, काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ गार्ड लगे हुए हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और सपोर्ट करेंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका भाई आगे कैसे बढ़ेगा। तो चलिए सपोर्ट करेगा तो ही तो भाई आगे बढ़ेगा।